खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। बीजेपी के मंत्री मीनाक्षी लेखी की ओर से किसानों को मवाली कहे जाने के विरोध में आज आप पार्टी के जिला अध्यक्ष परमिंदर सिंह सेठी की अध्यक्षता में भंडारी पुल में मीनाक्षी लेखी का पुतला फूंका गया। पंजाब के अलग अलग जिलों में आज बीजेपी के मंत्री मीनाक्षी लेखी के पुतले फूके गए, जिसके तहत आज अमृतसर स्थित आप पार्टी के ऑफिस के बाहर कैबिनेट मंत्री सोनाक्षी लेखी का पुतला फूका गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए आप पार्टी के नेताओं ने बताया, बीजेपी के मंत्री के द्वारा जो किसानों को मवाली कहा गया है उसको आप पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया, सन 2022 में होने वाले इलेक्शन में अपनी हार को देखते हुए बीजेपी इस तरह के बयानबाजी कर रही है। तो बार बार तकरीबन 8 महीने हो गए बॉर्डर पे बैठे किसान, साढ़े 500 तो ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। अत दी गर्मी, अत दी सर्दी, बरसात, हर मौसम के किसान उसे बैठे शांतमई तरीके डेमोक्रेसी के फंडामेंटल राइट है, उन्होंने राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू असेंबली करने का राइट है। वो अपना शांत तरीके चले, कभी उन्होंने चोर, कभी उन्होंने अतवादी, नहीं तो उन्होंने मोहाली मोवाली डेफामेटरी लैंग्वेज जी ने यूज की है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी प्रोटेस्ट कारण कर रहे हैं, 50% तो ज्यादा हिंदुस्तान के पाकिस्तानी जुड़े लोग ने बीजेपी आने वाले समय से जो यूपी पंजाब के इलेक्शन हो रहे हैं एक बार मजा चुका देंगे। यकीन नहीं आएगी बीजेपी को पंजाब के किसानों के खिलाफ बोल रहे हैं। अभी बीजेपी का कोई लीडर घरों बाहर नहीं निकल देवे कि यहोजे माहौल सानू साडे बुजुर्गों को बेइज्जत करते रहे। बॉर्डर से बैठे शांतमई तरीके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब असं प्रोटेस्ट के तौर पर उन्होंने छोटा जहा अपना एक थोड़ा जहा प्रोटेस्ट करेंगे कि जरा पुतला बनाया उन्होंने पालेंगे। मैं हरवंत सिंह मरानगल जिला प्रधान अमृतसर देहाती। आज जो मीनाक्षी लेखी जी ने बयान दिता है किसानों के खिलाफ कि ये मवाली ने, इतों शरेआम सिद्ध हो गया। जदों बीजेपी वाले बोलते थे जोड़े कानून आए ने वो किसानों के हक में ने, किसानों के फायदे वास्ते ने, ये किसानों मवाली कह के किसानों के खिलाफ किसानों मंदा चंगा बोल के जो ये बयान दिता है तो सिद्ध होंगे कि जोड़े कानून ने वो बिल्कुल किसानों के खिलाफ ने। ये बहुत ही वड्डा पंजाब नूं ते पंजाब दी किसानी नूं नुकसान होने वाला। तो यह जे बयान बेतुके दे के जे बीजेपी वाले कह कि असी चुप बैठांगे, आम आदमी पार्टी 24 घंटे किसानों नाल खड़ी है और सब तो पहला अं घर चो बाहर आ के इन्हां दे खिलाफ नारेबाजी करांगे ते प्रोटेस्ट करांगे। मीनाक्षी लेखी जी के खिलाफ जो बयानबाजी की उन्होंने उस बयानबाजी के असी निंदा करते हैं। तो मीनाक्षी लेखी जी का पुतला फूक के असी विरोध किया, बीजेपी की असी इतना विरोध करते रहेंगे तो किसानों नाल अं 24 घंटे खड़े रहेंगे। देखो जी, साडे किसान वीर जिहड़े ने पिछले 7 महीनों तो धरनिया ते ने दिल्ली बार्डर ते बैठे हुए ने और 550 तो प्लस जिहड़ियां साडे किसान वीरां दियां मृतक देहां जिहड़ियां उह पंजाब पहुंच चुकियां ने। अजे भी बीजेपी सरकार जिहड़ी सुती पई है और सुती होने के नाते अज एक बड़ा मदभागा जिहड़ा लफ्ज़ तो मीनाक्षी लेखी ने अपने मुंह कढ़िया किसानों के लिए मंद भागी जिहड़ी है शब्दावली बोली गई है, उसका आम आदमी पार्टी वालों असीं विरोध करते हैं क्योंकि किसान अन्नदाता ने और उन्होंने अन्न पूरे देश के दे पूरे वर्ल्ड के खा के ही हर कोई गुजारा करता है और उस अन्नदाता मीनाक्षी लेखी मंत्री बीजेपी की है उन्हें मंदी शब्दावली बोली है मवाली किया और असं कभी भी बर्दाश्त नहीं करा आम आदमी पार्टी सदा किसान लगता। 2022 जी इलेक्शन आ रहे हैं अपनी हार देकर बुखलाहट भी आ गए, इस तरह बयान कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बीजेपी बिल्कुल बुखलाहट के है और बुखलाहट के होकर चाहती है कि असी किसी ना किसी तरीके जोड़ा वा वो किसानों होर परेशान करिए, जो कि इन्हों का हक बनता, फर्ज बनता किसान के मसले हल करने का, काले कानून वापस लैन का। अज का जोड़ा पुतला फूकया गया मीनाक्षी लेखी जी ने जोड़े किसानों मवाली किया है, जोड़े अच्छ 9 महीने तक उत्थे बैठे आ दिल्ली च लगातार बैठे अपन मेहनत की कमाई जी उन्होंने जायज मोदी साहब सुट रहे हैं उन्होंने हकों पिछे लड़ रहे हैं तो ये उन्होंने मवाली कह रहे कितों इंसान है। जोड़ा साडा पंजाब
कणक चावल बीजा है, अन्न दाता है, जिसे 80% जरा साक पालते हैं, उन्होंने तुम इस तरह कहोगे तो इस वीडी शेम सरकार खेड़ी हो सकती है। असं उन्होंने यो कहने भी उन्होंने बर्खास्त करना चाहिए तो उन्होंने माफी मंगनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं हाँ वेखो तुम लोगों जाके वेखो अज अज के हालात वेखो बीजेपी का एक बंदा भी किसी पिंड जाके वोट मंगन चला जाए मेरे हिसाब नहीं वापस आएगा सबूता।